नमो नारायण मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि वालों के 29 जनवरी और 30 जनवरी के राशिफल के बारे में। तो जानने के लिए वीडियो को आप पूरा देखें, पूरे ध्यान से देखें। तो मित्रों, सबसे पहले हम आज के पंचांग को देखेंगे, यानी कि 29 जनवरी के पंचांग को देखेंगे। परंतु सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे ऑन कर दें। आज तिथि है चतुर्थी, नक्षत्र है पूर्व भाद्रपदा, पक्ष है शुक्ल पक्ष और दिन है बुधवार। आज के दिन सूर्य उदय हो रहा है 7:11 में और सूर्यास्त है 5:57 में। चंद्रोदय है 9:58 AM में और चंद्रास्त है 9:55 में। आज का दिन काल है 10:46:32 का। महीना है माघ और आज आपके लिए शुभ समय नहीं है, अशुभ समय है 2:12:12 से 12:56 तक। राहु काल शुरू होता है 12:34 से 1:55 तक। दिशा शूल है उत्तर दिशा की ओर। तो ये था 29 जनवरी का पंचांग। अब हम जानते हैं आपके 29 और 30 जनवरी के राशि फल के बारे में। वृश्चिक राशि वालों, अगर आपका मन स्थिर नहीं रहता है, आपके मन में चंचलता बहुत ज़्यादा रहती है, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर नहीं है। अपने मन को आप शांत रखने का प्रयास करें और इस बात का ध्यान रखें कि दूसरों के सामने आप कैसे बर्ताव करते हैं और कैसे बोलते हैं। अपने बिहेवियर पर आप ध्यान रखें, तभी अपने मानसिक स्थिति को आप मजबूत कर पाएंगे। अगर आपके धन संपत्ति की बात करें, तो अटके हुए मामले और ज़्यादा खर्च हुआ पैसा आपके मन को अशांत कर सकता है, लेकिन अपने मन को शांत रखने का प्रयास करें और ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना है। इस बात को भी अपने दिमाग में आप बैठा लें, जहाँ आवश्यकता हो आपको धन खर्च वहीं करना है और जहाँ आवश्यकता नहीं हो वहाँ आपको पैसा खर्च नहीं करना है। दोस्तों, आपको अपने फैसले अपने बच्चों के ऊपर और अपने घर वालों के ऊपर नहीं थोपना चाहिए। आपके घर वाले और आपके बच्चे जो करना चाहें आप उन्हें वो करने दें। अगर अपना फैसला आप उनके ऊपर थोपते हो तो उनके साथ आपका संबंध खराब हो सकता है। अगर आपके प्रेम संबंध की बात करें, तो प्रेम के लिहाज से आपका समय सही रहने वाला है। अगर संभव हो सके तो अपने प्रेमी या अपने प्रेमिका के साथ आज के दिन आप कुछ पल बिताएं, ताकि आपका रोमांटिक लाइफ और ज़्यादा अच्छा हो जाए। अगर आपके कामकाज को देखें, तो कामकाज में आज आपको लोगों से पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। जिस व्यक्ति से आप हेल्प की उम्मीद करते हो, वो सभी लोग आज आपका सपोर्ट करने वाले हैं, तो आपका दिन बेहतर गुजरेगा। अब हम जानते हैं आपके आज के उपाय के बारे में। दोस्तों, उपाय ये है कि अपने समय को बेहतर करने के लिए आप आज के दिन सुगंधित चीज़ों का प्रयोग करें। जिन वस्तुओं से सुगंध आता हो आप उनका प्रयोग करें, आपका समय बेहतर हो जाएगा। धन्यवाद। राधे राधे।